अस्सलाम वालेकुम, मैं इशार को शामिल करता हूँ आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो वो है स्नैपचैट के बारे में। यार देखो, स्नैपचैट तो हम सभी यूज़ करते हैं और हम अपनी स्नैप्स वगैरह भी शेयर भी करते हैं और निकालते भी हैं। कुछ स्नैप्स वगैरह ऐसी होते हैं जो बंदा किसी से शेयर नहीं कर पाता, तो वो जो है प्राइवेसी में रख देता है। अब जो स्नैपचैट की जो अपनी प्राइवेसी है, प्राइवेसी का नाम माई आईज ओनली है, तो ऐसे में ये होता है कि बंदा वहाँ पर पासवर्ड मार देता है और पासवर्ड लगाने के बाद अगर वो बंदा भूल जाए तो वो फॉरगेट कैसे होगा। यार देखो, वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन वगैरह नहीं होता कि फॉरगेट वगैरह कैसे करने का। अभी अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरे अराउंड 1 month मुझे पासवर्ड बिल्कुल याद भी नहीं था। डेली मैं पासवर्ड वगैरह लगाता था तो कुछ भी, मतलब कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगता। उसमें ये है कि एटलीस्ट 16 digit, मतलब कम से कम 16 digit होने चाहिए, फिर जाके पासवर्ड लगता है। इतना लंबा पासवर्ड कौन याद रखे। तो ये था कि बहुत ही, मतलब जिद्दोजहद करने के बाद वहाँ पर मुझे 2 options मिले, मतलब 2 मेरे पास तरीके थे फॉरगेट करने के। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका समझाता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। वीडियो को चलते चलते लाइक कर दो, शेयर कर दो और उसके अलावा मेरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और सबसे पहले आपको करना है क्या है कि स्नैपचैट ओपन करना है। स्नैपचैट ओपन करने के बाद आपको सिंपली इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्वाइप अप करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे होगा आई हैव अ प्राइवेसी क्वेश्चन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो है, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो है उस पर आपको टिक करना है, आई हैव अ प्राइवेसी क्वेश्चन। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा नीड हेल्प विथ समथिंग एल्स, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद यहाँ से आप यहाँ पर जो है आपकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मांगे, इंफॉर्मेशन आपको देने के बाद यहाँ पर जो है आपका जो है सबमिट हो जाएगा। वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो सबमिट हो जाएगा, उसके बाद जो है वापस उनका कोई मैसेज वगैरह आएगा। तो सर ये तो हो गया पहला तरीका जो मेरे काम आया था, लेकिन अभी जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ वो मेरे काम आया था, लेकिन हाँ उसकी कुछ शर्त है जो आपको पूरी करनी है। वो आपको लाजमी से जो है ना वो चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके बाद आप फॉरगेट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, देखो उसमें क्या मतलब सीन होता है। भाई दूसरा ऑप्शन कुछ यूँ है कि आपको यहाँ पर अपनी गैलरी ओपन करनी है जो स्नैपचैट की, वहाँ पर आपको नीचे की साइड पर एक ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास 2 options होंगे, चेंज पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड। आपको जो है दूसरे नंबर पर क्लिक करना है, उसके बाद जो है आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा आपके स्नैपचैट का, जो है आप स्नैपचैट ओपन करते वक्त जो पासवर्ड होता है ना आपका, या आपका जो पासवर्ड मतलब ईमेल और पासवर्ड सिस्टम होता है वो आपको लगाना है। यहाँ पर लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्रिएट अ पासवर्ड आपसे जो है ना मांगेगा। यहाँ पर जो गैलरी है ओनली आईज जो है ना ऐसे कुछ है, उसका पासवर्ड मांगेगा। एक तो डिसेबल का ऑप्शन आएगा, आपको वो नहीं करना। आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो लगाना है, पासवर्ड जो आप न्यू रखना चाहते हो वो अलग। और यहाँ पर एटलीस्ट जो है ना 16 digit का जो है पासवर्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जैसे पासवर्ड लगाया, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखा हुआ दिखाएगा, भाई ये जो पासवर्ड है इसको आप एग्री करते हो। तो यहाँ पर हम एग्री कर देते हैं, इसको थोड़ा मुझसे गलत हो गया था लेकिन चल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर भाई ये चीज़ हमारे हो गई। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उस पासवर्ड पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, तो देखते हैं इसको ट्राई करके। सर उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यार आज मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा यार ने मतलब जो हमारे फैमिली हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ हम शेयर करते चलें, क्योंकि मुझे तो ये आ गया, मतलब बहुत ही जिद्दोजहद के बाद 1 month के बाद अराउंड मुझे ये सीन जो है ना समझ में आ गया। हालांकि वो जो चीज़ थी वो बिल्कुल उसी के नीचे थी, उसके ऊपर आ जाता कीबोर्ड तो मतलब कुछ नज़र ही नहीं आता था। इस वजह से जो है ना आज मुझे ध्यान में मतलब ये चीज़ आई है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके अलावा मेरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।